नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा महू से कालाकुंड का जो हेरिटेज सेक्शन था वह क्षेत्रवासियों के लिए 4-5 साल तक बहुत यादगार रहा। यहां पर रेलवे के द्वारा मीटर गेज की हेरिटेज ट्रेन का संचालन किया, जिसका दूर दूर के लोगों ने लुत्फ लिया और यह सेक्शन अब इतिहास बन गया है, क्योंकि जो रेलवे है वह शायद हेरिटेज गाड़ी का संचालन इस सेक्शन पर ना करे या फिर आगामी बरसात के सीज़न में वह केवल मीटर गेज की जो हेरिटेज गाड़ी है उसका संचालन पाताल पानी से ही करे। अब जो भी होगा यह आने वाले समय में रेलवे की मंशा पर निर्भर करता है, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर नगर है वहां पर वह पूरी तरह से ब्रॉडगेज का ही कार्य करना चाहता है, क्योंकि वंदे भारत का भी डिपो आने वाले समय में वहाँ पर बनाया जाना है और मेमो ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए भी जगह वहाँ पर तैयार करना। इसको देखते हुए संभावना कम ही है कि डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से मीटर गेज ट्रेनों का संचालन अब आने वाले समय में हो पाएगा। पाताल पानी स्टेशन पर इसके लिए जो मंडल के अधिकारी हैं उनके द्वारा जांच और पूरा सर्वे कर लिया गया है। तो केंद्र सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्टों का निर्माण पूरे देश में कर रही है, जिसमें कि दूरस्थ क्षेत्रों को आसानी से छोटी लिंक उपलब्ध हो सके। पहाड़ी इलाकों, हिमालय के गलियारों में कई बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। 1 किलोमीटर की सुरंग मात्र 26 दिन में बना दी जा रही है, लेकिन हमारा जो महू से सनावत का सेक्शन है इसके बारे में कोई भी अंतिम निष्कर्ष तक रेलवे नहीं पहुंच सकी है। काफ़ी निराशा होती है कि यह महत्वपूर्ण रूट जो अंग्रेज़ों ने 4 साल में बिना कोई बड़े इंजीनियरिंग साधनों के तैयार कर दिया था, उसको बनाने में रेलवे इतनी अपनी ओर से ढीलपोल और अरुचि क्यों दिखा रही है। रूट डाइवर्ट करने के पश्चात में जो 64 किलोमीटर का महू सनावत सेक्शन है उसकी लंबाई करीब 84 किलोमीटर के आसपास पहुंचना है। साथ ही जो पूर्व में 6 स्टेशन थे उनमें से कुल 3-4 स्टेशन अब अस्तित्व में नहीं रहने वाले हैं। जो नए स्टेशन समेत संख्या पहुँच जाएगी करीब 10 के आसपास। इसकी तकनीकी जानकारी हम कई बार आप सभी को दे चुके हैं। 10 स्टेशन जो इसमें बनेंगे वह क्रॉसिंग स्टेशन के तौर पर बनेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 प्लेटफार्म रहेंगे। और जो इसकी तकनीकी बातें हैं उसमें कुल 174 पुल बनाए जाना है, जिसमें से 23 बड़े पुल रहेंगे और 151 छोटे पुल रहेंगे। करीब 12 किलोमीटर का हिस्सा जो है सुरंगों में से गुजरेगा, जिनकी संख्या होगी 14। सबसे बड़ी बात इस प्रोजेक्ट की यही होने वाली है। जब हमारा रेलवे विभाग मैदानी इलाका है पीथमपुर से धार के बीच में, वहाँ पर करीब 3 किलोमीटर की सुरंग बिछाने में नाकाम रहा है। 5 साल से भी अधिक समय से वह कार्य चल रहा है और अभी तक आप उस प्रोजेक्ट का हाल देख सकते हैं। तो यह जो घाट सेक्शन है इसमें यह कार्य करने में कितना समय रेलवे ले लेगा इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। रेलवे ने इसकी समय सीमा वर्ष 2025-26 बताई है कि 25-26 तक यह कार्य वह पूरा कर लेगा। और गंभीरता का नज़ारा हम देख रहे हैं लगातार। जो पूरा सेक्शन है इसका RTI के जरिए हमें जवाब प्राप्त हुआ है। हमने करीब 4 महीने पहले इसकी RTI लगाई थी, जिसका जवाब हमें हाल ही में मिला है। बात करते हैं इसके बारे में। महू से सनावत का सेक्शन अब इसकी लंबाई 84 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि फाइनल लोकेशन सर्वे में करीब 22-24 किलोमीटर के आसपास बढ़ गई है। सनावत से मुक्तियारा बलवाड़ा का 26 किलोमीटर का सेक्शन है। इसका जो नर्मदा नदी का होलकर ब्रिज है इसको बनाने हेतु टेंडर पर कार्य शुरू भी हो चुका है। इसके बाद के हिस्से की बात करें तो जो अर्थवर्क, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, इलेक्ट्रिक वर्क का टेंडर है उसके लिए तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है सनावत से मुक्तियारा बलवाड़ा के 26 किलोमीटर के सेक्शन में। और जो अगला भाग है मुक्तियारा बलवाड़ा से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का 70 किलोमीटर के आसपास का, इसके लिए अभी फ़िलहाल में जो रूलिंग ग्रेडियंट की बात अटकी पड़ी है, लंबे समय से जो ग्रेडियंट का मसला है वह सुलझाया नहीं जा सका है और बात फिर से वहीं आ गई है। नया ग्रेडियंट तय करने के बाद में ही इसका रूट अब फाइनल किया जाना है, यह भी सामने आ रहा है। जो RTI की जानकारी है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो यह टेंडर प्लानिंग और जो आगे की तैयारियां मुक्तियारा बलवाड़ा से महू के बीच में
भूमि अधिग्रहण संबंधी और ड्राइंग वगैरह, वह जो इस फाइनल लोकेशन सर्वे के पश्चात जो रूलिंग ग्रेडियंट है उसको तय करने के बाद में ही सामने आ सकती है। हम लंबे समय से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़रें बनाए हुए हैं, काफ़ी निराशा हमें होती है। हम जो क्षेत्र की जनता है उसको जल्द से जल्द यह सेक्शन पूरा होकर मिले ऐसा चाहते हैं, लेकिन यह फ़िलहाल में तो जो रेलवे की कार्यप्रणाली है उसके बाद में जल्द होता नज़र नहीं आ रहा है। बहुत दुख की बात है कि जो एक छोटा रास्ता था वह अब लंबे समय से अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। हाल ही में इस सेक्शन पर ट्रेनों का भी संचालन रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया है, जो कि राजस्व प्राप्ति ना होने की वजह से है, खास तौर से किया गया है। वैसे भी इस रूट पर छोटे छोटे गांव हैं, मुश्किल से 100 पैसेंजर प्रतिदिन इस गाड़ी को मिलते थे, तो ऐसे में भारी राजस्व की हानि रेलवे को हो रही थी और रख रखाव के लिए कर्मचारियों को अलग से उन्हें वेतन भी देना पड़ रहा था। तो वह ट्रेन अब बंद कर दी गई है और उम्मीद भी नहीं है कि इस सेक्शन में जो हेरिटेज ट्रेन भी चलती थी वह चलेगी अथवा नहीं, क्योंकि जो महू स्टेशन है वहाँ पर पूरा सेक्शन की यार्ड रिमॉडलिंग करने का टेंडर निकल चुका है और उस पर कार्यवाही जल्दी ही शुरू होगी। ऐसे में जो मीटर गेज का यार्ड है, अटकलें चल रही हैं कि पातालपानी स्टेशन पर उसको शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन केवल पातालपानी से जो कालाकुंड के बीच में हेरिटेज ट्रेन यदि चलाई जाए तो उसमें यात्रा करने के लिए कितने यात्री आएंगे यह सोचने वाली बात है। विभिन्न सोशल मीडिया के गलियारों पर इस बाबत चर्चा समय समय पर चलती है। वहीं पिछले 3 सालों से करीब 2200-2300 करोड़ रुपए का भारी बजट इस परियोजना को अलाट हुआ, जिसके मुकाबले रेलवे ने कार्य बिल्कुल भी नहीं किया है। कुछ जगहों पर कार्य चल रहा है लेकिन वह पूरे प्रोजेक्ट के लिए संतुष्टिजनक नहीं कहा जा सकता है। खास तौर से हमारा जो महू से सनावत का सेक्शन है इसमें तो कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन रेलवे को अब जागरूकता दिखाते हुए जो पूरा बजट है वह जल्द से जल्द उपयोग करने हेतु कार्य योजना बनानी चाहिए। साथ ही जो मैदानी इलाका है बलवाड़ा से लगा के सनावत का, उसका टेंडर खोलने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और इस बीच जो वन मंजूरी है पूरे सेक्शन की वह भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को एक मत होकर इसके लिए भी प्रयास करना पड़ेंगे, क्योंकि राज्य शासन के पश्चात में केंद्र सरकार के द्वारा उसकी सेकंड स्टेज मंजूरी दी जाती है और यह प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। आमला खुर्द से अकोट सेक्शन के लिए भी जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं वह वन मंजूरी जल्द से जल्द दिलाने का प्रयास करेंगे, तभी यह सेक्शन जुड़ पाएगा। कुल मिलाकर जो कार्यवाही चल रही है वह ऐसे ही यदि चलती रही तो यह रूट कब तक बनेगा यह कभी भी कोई भी नहीं बता सकता है। हम लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी को अवगत कराते रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको इसकी जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराएं। यह जानकारी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।